हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्यूब में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विज्ञापन यूपी पुलिस का ऑनलाइन चल रही है। इसका पेपर जो है एग्ज़ाम बहुत जल्दी होना है। चलिए फ्रेंड्स, इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए में है लखनऊ, बी में वाराणसी और सी में आता हमारा प्रयागराज और डी में है कानपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी प्रयागराज। और ये जो है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए माता प्रदीप कुमार दास, बी में अजय कुमार, सी माता महेश वर्मा, डी माता राजेश कुमार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, प्रदीप कुमार दास को जो है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है, किस राज्य ने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत किया? ए में गुजरात, बी में राजस्थान, सी में हरियाणा और डी में उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी राजस्थान ने जो है चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत किया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है हमारा, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? ए में जम्मू कश्मीर, बी माता लद्दाख, सी में दिल्ली और डी माता हरियाणा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी जम्मू कश्मीर जो है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ए में 2 जनवरी, बी में आता 3 जनवरी, सी में 4 जनवरी और डी में है 5 जनवरी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए माता बी आर कंबोज, बी में बी आर मनोज और बी माता हमारा बी आर राकेश और सीमा डी माता है बी आर प्रकाश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ये, यानी बी आर कंबोज को जो है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एम एस स्वामीनाथन ने जो है 1966-67 में हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा भूमिका निभाई। और सबसे पहला जो है हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा पंजाब राज्य पड़ा, पंजाब यहाँ से ये भी याद रखना है। और फसल कौन सी थी? गेहूँ की खेती। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक शाही विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए माता नंदिनी बहन पटेल और बी माता आरिफ मोहम्मद और सी माता अमित शाह और डी माता है योगी आदित्यनाथ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी मोहम्मद आरिफ, यानी कि आरिफ मोहम्मद राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक शाही विरासत पुस्तक का विमोचन किया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, 2024 ओलंपिक गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए में न्यूयॉर्क, बी माता वियना, सी में मनीला और डी माता है पेरिस। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी पेरिस फ्रांस में जो है 2024 ओलंपिक गेम का आयोजन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ए में हरियाणा, बी में गुजरात और सी माता पंजाब और डी में उत्तर प्रदेश। इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा सी, यानी पंजाब जो है दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है हमारा, किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कदंब शिलालेख मिला? ए में गोवा, महाराष्ट्र, डी में आता है और सी में आता आंध्र प्रदेश और डी में गुजरात। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा गोवा, यानी गोवा में जो है 10वीं शताब्दी का कदंब शिलालेख मिला। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, जारी पुस्तक बिहाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? ए माता धर्मेंद्र प्रधान, बी में गिरिराज सिंह और सी माता राजनाथ सिंह और डी में है एस जयशंकर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी एस जयशंकर जो हैं ये बिहाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किस राज्य के आदि केकरी तिब्बती कालीन को और बाँचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया? ए माता हिमाचल प्रदेश, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में मेघालय और डी में त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल किस राज्य में लगाए गए? ए में पश्चिम बंगाल, बी में गुजरात, सी में उत्तराखंड और डी में आता असम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी उत्तराखंड में जो है देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल लगाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ए में गुजरात, बी में हरियाणा,
सी में उत्तर प्रदेश और डी में तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ए में गुजरात, बी में हरियाणा, सी में सिक्किम और डी में मेघालय। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी गुजरात। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? ए में 12वें स्थान पर, बी में आता 13वें और सी में 15वें और डी में आता। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी 13वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मुगल गार्डन दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ए में अमृत उद्यान और बी में अमृत गार्डन और सी में आता अमृत दिल्ली और डी में अमृत मुगल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी अमृत उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ए में काकोरी रेल कांड, बी में आता काकोरी रेल एक्शन और सी में काकोरी धाम, डी में काकोरी रेल धाम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी काकोरी रेल एक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ए में आता एकता रेलवे स्टेशन, बी में है एकता केवड़िया रेलवे स्टेशन, सी में आता एकता नगर रेलवे स्टेशन और डी में है कर्तव्य रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी एकता नगर रेलवे स्टेशन, गुजरात में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट में आता हमारा, कॉल योर कोप ऐप किस राज्य ने शुरू किया? ए में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में असम और डी बी में सी में असम और डी में आता नागालैंड। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी नागालैंड। चलिए फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।